देखिएगा बाबू, भाइयों बम जी देखिए यहाँ गर्मा गर्म छान कर आपको दिया जा रहा है। घर परिवार का चिंता छोड़िए, ससुराल का चिंता मत कीजिए, बाबा का ध्यान लगाइए, भोल बाबा का नारा लगाइए, आलू केला का फलहारी जिलेबी खाइए और यात्रा को सफल बनाइए। तो बम जी आप आइए हमारे इस होटल में पधार कर, यहाँ के आलू और केला का स्पेशल फलहारी जिलेबी आप अवश्य ही खाकर जाएं। यहाँ सावन भादो केवल 2 महीना ही आलू और केला का स्पेशल फलहारी जिलेबी बनाया जाता है। बम्जी आइए बम्जी यहाँ रुकिए और आलू केला का ये स्पेशल जिलेबी आप जरूर खाकर जाएं। बम्जी आप मैदा का जिलेबी, बेसन का जिलेबी, कलाईदार का जिलेबी बहुत खाए होंगे बम, लेकिन देवघर के रास्ते में आपको फलहारी जिलेबी आलू और केला का जिलेबी बनाया जा रहा है बम। आलू को उबाल कर छील कर, पका हुआ केला को छील कर, मिक्सर मशीन में पीस कर, दूध में घोल कर गर्मा गर्म छान कर दिया जा रहा है बम। तो आइए बम जी स्टैंड पर कावर रखिए और हमारे यहाँ का आलू और केला का स्पेशल फलहारी जिलेबी आप खाकर जाएं। देख रहे हैं कितना जो है लंबा लाइन, लगातार लाइन चल रहा है। बोल राम हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइएगा दोस्तों, और भी भक्तों तक वीडियो पहुंचाते जाइए। देख रहे हैं लगातार यात्रा हो रही है और बहुत भीड़ वाला हो रही है। वीडियो शेयर करते जाइए, शेयर करना नहीं भूलिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी हम दिखा रहे हैं मनिया का कांवरिया पथ किस प्रकार आए, फिर से आ चुके हैं मनिया में एक बार, भीड़ जैसा देखते हैं, फिर पहुंच जाते हैं मनिया में। और मनिया में ज़्यादा भीड़ दिखाई देता है और शाम का समय होता है। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। लगातार देख रहे हैं कितना ज़्यादा भीड़ हो रहा है कांवरिया पथ से रिलेटेड। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए।